तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम मैथ की बात करेंगे। मैथ का जो सिलेबस है इस साल एलकेजी और यूकेजी में क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है उसकी हम आज यहाँ पे बातें करेंगे। इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस की बातें मैं अपने अलग वीडियो में बताऊंगी, आप वो उसके लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं मैथ की। तो पहले यूकेजी का देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है काउंटिंग। यूकेजी में आपके बच्चे को 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करवाई जाएगी। यहीं पे अगर हम एलकेजी की बात करें तो यही सेम यहाँ पे 1 से 50 यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि उल्टी रिवर्स जो काउंटिंग होती है वो 50 से लेकर 1 तक आपके बच्चे को करवाई जाएगी। यहाँ पे आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, 1 से लेकर 100 तक ही आपके बच्चे को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन आना चाहिए, ये सब करवाया जाएगा। फिर नंबर नेम, नंबर्स नेम यहाँ पे है 1 से लेकर 10 तक। नंबर नेम यानी ONE, ONE, TWO, यहाँ पे 1 से 10 लेके वो आपके बच्चों को यूकेजी में करवाया जाएगा। कुछ कुछ स्कूल में 20 या 15 तक भी होती है। देखिए हम ना स्कूल को क्या करते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि उस स्कूल में यूकेजी में इतना सिलेबस है, उस स्कूल में एलकेजी में इतना सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ बहुत जरूरी होता है, ना कि सिलेबस। सिलेबस अगर बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से हुआ है तो सिलेबस तो वो कभी ना कभी जल्दी से कवर कर ही लेगा। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप सिलेबस के पीछे ना भागें, बच्चे के टोटल ग्रोथ को देखिए। टेबल करवाई जाएगी आपके बच्चे को 2 से लेकर 5 तक की, ये यूकेजी का सिलेबस है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कि पहले सबसे छोटा, बड़ा ऐसे, और डिसेंडिंग मतलब कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ पे आप ऐसे सिखा सकते हो कि ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है तो सबसे छोटा, और डी उसके बाद आता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो संख्याओं का जोड़, प्लस एंड माइनस। स्किप काउंटिंग, यहाँ पे आप मिसिंग नंबर बोलो या इसको स्किप काउंटिंग बोल लो। फिर यहाँ पे आपके बच्चे को करवाया जाएगा ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर की, पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और इक्वल यहाँ पे कौन सा है कि बराबर कौन सा है। तो ये हो गया यूकेजी का। एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। काउंटिंग 1 से 100, बैकवर्ड काउंटिंग 50 से 1, वर्ड्स कम आफ्टर, वर्ड्स कम बिफोर, वर्ड्स कम बिटवीन, नंबर नेम 1 से 10, टेबल 2 से 5, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्किप काउंटिंग या मिसिंग नंबर जो भी आप बोल सकते हैं इसको, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, इक्वल। तो यहाँ पे अभी ये यूकेजी का हो गया हमारा। अभी एलकेजी का देखते हैं। काउंटिंग यहाँ पे 1 से 15 है, वही सेम बात है। कुछ कुछ स्कूलों में एलकेजी में ही 1 से 100 तक करवा देते हैं, बट वो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपको बार बार नहीं रिपीट करूंगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कूल्स को जज मत कीजिए। बैकवर्ड काउंटिंग होती है यहाँ पे 20 से 1, काउंट एंड मैच। यहाँ पे थोड़ा एलकेजी में थोड़ा वर्कशीट पे ज्यादा ध्यान जाता है कि यहाँ पे अगर मान लो आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके दे दिया कुछ भी, और यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं तो बच्चों को काउंट करना और मैच करना, 1 2, तो 2 कहाँ लिखा है तो उसके साथ मैच कर दो, 1 2 3 3 कहाँ लिखा है उसके साथ। तो ऐसे ही ये 20 या 50 तक आप ये बच्चा ये करवा सकते हो। तो वर्कशीट में होता है। टेबल एलकेजी में नहीं होती है, नंबर नेम एलकेजी में नहीं होते, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलकेजी में नहीं करवाए जाते हैं। हम मिसिंग नंबर 1 से 2 जहां तक एलकेजी में काउंटिंग करवाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिसिंग नंबर करवाए जाएंगे। तो ग्रेटर और स्मॉलर भी बच्चे को नहीं करते। तो अभी मैं ये बताती हूँ आपको कि ये सब जो सिलेबस है, अभी आपके पास बुक्स नहीं होंगी, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल में जाके सब स्कूल अलग अलग तरह की बुक्स आपको लगवाते हैं, तो आप अभी ले भी नहीं सकते हो कि क्या आप कौन सी बुक ले लो और फिर वो स्कूल वाले कुछ और लगवा दें। तो उसके लिए अभी ये सब सिलेबस करवाना कैसे, उसके लिए मैंने वर्कशीट बनाई है, बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कैसे ये करवाना है। यहाँ पे देखिए, ये रिक को करवाना है, मतलब कि पहचान आना चाहिए आपके बच्चों को काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक। अगर आप बोलते हो कि 56 को सर्कल करो, ठीक है, सर्कल ऑफ नंबर 56, तो आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 56 नंबर कौन सा, तो ये यहाँ पे आपका बच्चा 56 को सर्कल करेगा। फिर आप बोलोगे 86 को सर्कल करो, तो अगर आपके बच्चे को यहाँ तक आती है, आपने क्लियर उसका कंसेप्ट करवाया हर चीज का, तो आपका बच्चा ऐसे कर लेगा। हाँ, आपको ये नहीं बोलना है कि 73 पे सर्कल करो, आपको आप बोल सकते हो 73 पर सर्कल करो, पर 73 अगर आप बोलोगे तो वो तो इजीली पहचान, 7 पे अलग से सर्कल करेगा, 3 पे अलग से करेगा, बट ऐसे नहीं। प्रॉपर काउंटिंग 73 बोलना है या 73 बोलना है, पर ये आपके बच्चे को पहचान में आना चाहिए
कि क्या करते हैं बच्चों को सीक्वेंस में तो सब आती है, पर अगर बीच से अगर उनको कोई नंबर उठा के दो और पूछो विच नंबर दिस, वो नहीं पहचान पाते हैं। तो इसके लिए उसको ये नंबर्स की पहचान होनी बहुत जरूरी है, इसके लिए वो प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ही थ्रू उनको आएंगे। नेक्स्ट है डिक्टेशन। डिक्टेशन में आप बोलोगे और बच्चा लिखेगा। आप मान लो आप बोलते हो 38 लिखो, तो आपका बच्चा यहाँ पे 38 लिखेगा। फिर अगर आप बोलते हो 44 लिखो, तो आपका बच्चा 44 लिखेगा। सेम 100 तक आप 99 लिखवाओ, तो अगर आपके बच्चे को आता है तो वो लिखेगा, नहीं आता तो आप समझ लीजिए उसको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको उसको और ये याद करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यहाँ पे आपने आप स्मॉल से शुरू कर सकते हो कि जैसे 11 के वो ले लो आप सीक्वेंस में, या 10 से बिफोर 10 का ले लो, 20 का। यहाँ पे मैंने 54 से शुरू किया क्योंकि यूकेजी है तो थोड़ा टफ लेवल में जाएगा ही जाएगा, आपका बच्चा फर्स्ट में जाएगा इसको क्रॉस करके, तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को 100 तक काउंटिंग आती है, वो पहचान पाता है सब नंबर को, तो ये इजिली वो कर लेगा। 54 के बाद क्या आएगा, अगर मान लो आपके बच्चे को फिर भी नहीं, तो आप यहाँ पे काउंटिंग लिख सकते हो 51, 52, 53, 54 के बाद क्या आएगा 55, 56, 57, 58, 59 एंड 59 के बाद 60, 61, 62। तो ये स्टार्टिंग के लिए आप काउंटिंग आपको डेली नहीं करना, सिर्फ स्टार्टिंग जब आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हो मिसिंग नंबर, उस टाइम के लिए आप ये कर सकते हो कि काउंटिंग लिख के दे सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आपके बच्चे को आप डेली प्रैक्टिस करवाओगे, वीकली प्रैक्टिस करवाओगे, आपके बच्चे को आ ही जाएगा, आपको काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं। पर हाँ, हम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए कि इजी हो जाए, वो पहचानना शुरू कर दे, उसके लिए ये आप कर सकते हो। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक नंबर एक एक छोड़ा था, यहाँ पे आपने दो छोड़ दो या फिर 42 लिख के पूरी लाइन छोड़ दो, तो यहाँ पे आपका बच्चा लिखेगा 43, 44, 45, 46 एंड 47। सो ये हमारा हो गया रेको, डिक्टेशन एंड मिसिंग नंबर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। वर्ड्स कम आफ्टर, वर्ड्स कम बिफोर, वर्ड्स कम बिटवीन। सो यहाँ पे सेम आप कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे नंबर लिखा 79, वर्ड्स कम आफ्टर 79 के बाद क्या आता है। अगर आप बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो सेम यहाँ पे आप काउंटिंग लिख के दे सकते हो, तो बच्चा आपको काउंटिंग लिखने से उसको याद आ जाएगा 78, 79, 80, 93 है तो 92, 93, 94, 45 है तो 44 यहाँ पे आप लिख दीजिए। सिर्फ जब उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तब आपको ये करना है, डेली आप ये मत कीजिए, नहीं तो बच्चों को ऐसी ही आदत हो जाएगी। 44, 45, 46 तो ये हो गया वर्ड्स कम आफ्टर। आप ऐसी ही पूरी शीट उनको बना के दे दीजिए डेली। यहाँ पे आ गया वर्ड्स कम बिफोर, ये बाद में वाले थे, अब यहाँ पे नंबर। अब आपको काउंटिंग अगर आप लिख रहे हो तो आपको काउंटिंग यहाँ लिखनी पड़ेगी 37, 38, 39, 30 है तो 29, 30, 31, 100 है तो। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे 100 है, तो कुछ कुछ नंबर आपको ऐसे भी डालने हैं कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए, वो सोचेगा इसके बारे में तभी उसका दिमाग चलेगा ना। अगर इजीली सब चीजें उसको मिलती रहेंगी या इजी से होता रहेगा तो वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे हमने 100 तक ही काउंटिंग करवाई है, तो यहाँ से तो हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए बच्चा खुद यहाँ से लिखेगा 99। अभी आते हैं वर्ड्स कम बिटवीन। तो सेम आप काउंटिंग लिखना चाहे तो काउंटिंग लिख दीजिए, अगर आपका बच्चा नहीं कि आपका बच्चा कर पा रहा है तो आपको कोई नीड ही नहीं है। 39, 39 के बाद 40, 72, 73, 92, 93, तो आप ऐसे इजीली उनको वर्कशीट बना के दे सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में या वीकली आप दो ही चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं कि आज ये करवा दिया नेक्स्ट डे अगला टॉपिक ले लें, बट ऐसा नहीं। आप वीकली उसको दो ही टॉपिक इंट्रोड्यूस करें जिससे, और फिर उसके दो तीन दिन उसकी ही वर्कशीट लें, तब आपके बच्चे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बार बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली अलग अलग टॉपिक उसको इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं। अभी यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है और बराबर कौन सा है। अभी ये वाले हम कैसे सिखाते हैं, या तो हम इसके
इजीली बच्चों के हिसाब से हमको सिखाना पड़ता है। या तो आप बोल सकते हो कि जो ये माउथ है ये मगरमच्छ का माउथ है, जो भी बड़ा होगा मगरमच्छ उसको खा जाएगा, है ना। और इससे भी इजी ये है कि आपके अपने बच्चे को बताना है, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको सर्कल कीजिए। अब इनमें से बच्चे को बोलना है कि यहाँ पे 3 चॉकलेट है, यहाँ पे 1 चॉकलेट, आप कितनी चॉकलेट खाओगे। तो बच्चा खुद ही बोलेगा कि हाँ मुझे तो 3 चॉकलेट चाहिए, तो ये बच्चा आपका यहाँ पे निशान लगा देगा। सेम वही है, आप फर्स्ट वाला जो नंबर उसको सर्कल कीजिए और पूछिए यहाँ पे 4 चॉकलेट हैं, यहाँ पे 2 चॉकलेट हैं, यहाँ पे आप कितनी चॉकलेट खाओगे। तो बच्चे को तो 4 चॉकलेट खानी है। तो इसका इजी है कि जिस साइड ये मुंह ओपन होता है उस साइड बड़ा आता है, तो जहाँ पे बंद होता है ये उस साइड छोटा नंबर आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे आप बच्चे को बोलोगे यहाँ पे भी 6 चॉकलेट है, यहाँ पे भी 6 चॉकलेट, आप कौन सी खाओगे, तो बच्चा बोलेगा मैं तो दोनों खाऊंगा, है ना। तो सेम यहाँ पे 2 है 1 है, तो कितनी चॉकलेट खाओगे, 2। तो ये आप इजीली ऐसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा। अगर यहाँ पे हम नंबर दिए हैं 5, 2, 4, 7, अभी असेंडिंग में ए आता है पहले, तो ए सबसे पहले आ जाता है अल्फाबेट में, तो सबसे छोटा। डी थोड़ा बाद में आता है तो ये बड़ा, ठीक है। तो ये भी एक इजी आप वे है जो बच्चे को बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 2। फिर उससे बड़ा 2 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 4। 2 के बाद 3 आता है, पर 3 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद 4। 4 के बाद आता है 5। 5 के बाद आता है 6, पर वो तो काउंटिंग में है नहीं, तो 6 के बाद 7। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेम यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहले आती है 0। 0 भी इंट्रोड्यूस करवाई दी जाती है एलकेजी में, और नर्सरी में ही करवा दी जाती है। जब हम 10 इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले हम 0 इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो सबसे छोटी होती है 0, उसके बाद काउंटिंग में आता है 1, 1 के बाद आता है 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी सेम हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे डी बड़ा है ना, ऐसे तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 7। 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2। सेम यहाँ पे भी सबसे बड़ा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसके लिए एक इजी गेम है, मैं आपको एक गेम भी बताती हूँ, ये इजीली थोड़ा इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए गेम बताती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये गेम है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे रैंडमली नंबर लिख देने हैं, और यहाँ पे बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप इन जो भी ये 4 नंबर है इनको लेके सबसे बड़ी संख्या बताना, सबसे छोटी संख्या बनाना, जो बहुत ही बोल देते हैं डिजिट नंबर रहते हैं, जो बिगेस्ट डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। तो अब बिगेस्ट नंबर में वही सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे हम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये जो ये नंबर्स दिए हैं इनकी ये सबसे बड़ी संख्या है, और ये हमने इस नंबर्स को लेके सबसे छोटी संख्या बना दी है। आप ये इजी वे में ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडमली ये वर्कशीट बनाई है कि हाँ ये फर्स्ट क्लास के भी आ जाते हैं, और जो भी नर्सरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए डाला है कि वो सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर ही कर सके, ठीक है। तो ये आप किसी भी एज के बच्चे के लिए आप कर सकते हैं, पर ये बस मैं जस्ट मेथड बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, सबसे बड़ा 7, 5, 2, 1, अगेन यहाँ पे सबसे छोटा 1, 2, 2 के बाद 5, 7, 5, 3, 2, 0, 0, 2, 3 एंड 5। अभी आते हैं नंबर नेम पे। अगर आपके बच्चे को नंबर नेम आते हैं 10 तक, तभी आप वो गेम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर उसको स्पेलिंग्स आती हैं O N E 1, आपको ऐसे बॉक्स बना के दे देना एक पजल टाइप में उसको, और यहाँ पे आपको उसको बोलना है कि 1 की स्पेलिंग को आप ढूंढ के बताओ। तो बच्चा आपका इनमें से देखिए, ये चीज़ें ना देखने में इजी हैं, पर ये बच्चों के माइंड के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ये बहुत ही
इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आपका बच्चा अगर जानता है ये 1 to 10 नंबर्स नेम उसको आते हैं, तो आपका बच्चा यहाँ पे कर पाएगा। ए ओ एन ई 1। नेक्स्ट है टी डब्ल्यू ओ 2, टी डब्ल्यू ओ 2। थ्री है 4, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया 4, 5, यहाँ पे हमारा आ गया 5। तो ये एक ऐसा गेम है, आप अलग अलग बना के 10 तक भी इनको बना के दे सकते हैं, या फिर आप सिर्फ स्टार्टिंग करना चाहिए दो दो नंबर का छोटा छोटा पजल, दो, फिर आप जब आपका बच्चा यूज टू हो जाए तो पूरे के पूरे ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। फिर आता है एडिशन ऑन नंबर लाइन। देखो पहले जब हम सीखते थे हम क्या उंगलियों पे ऐसे काउंट करते थे 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 finger 3 finger 4 finger ऐसे, बट नहीं, अब फिंगर्स पे बच्चे काउंट नहीं सीखते हैं, अब बच्चे सीखते हैं नंबर लाइन पे। तो ऐसी एक लाइन होती है उसके ऊपर नंबर लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे एडिशन हमको सिखाना बच्चों को 2 and 4 नंबर, तो आपका बच्चा पहचानने लग ही जाएगा। सो प्लस का मतलब कि जोड़, कि दोनों को मिला के कितना हुआ। तो अभी नंबर लाइन पे इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले 2 पे जाएंगे। मान लो बच्चों को अगर बताना है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, तो उसको बोलना एक मेंढक है जो पहले एक जंप किया 2 पर पहुंच गया, फिर क्या है 4, फिर उसने 4 जंप और किए, 1 jump 2 jump 3 jump 4 jump, तो अभी वो कहाँ पहुंचा, 6 पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, सेम आप अगर ऐसे मेंढक का वो लेके बताओगे कि 2 लिखा है पहले, तो सब पहले बड़ा जंप वहां तक किया, फिर 4 टाइम उसने फिर से जंप किया। तो अभी ये देखिए ऐसे ही सेम, अगर यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले जो फ्रॉक है कहाँ जंप करेगा, 3 पर, फिर आगे क्या है 5, अब वो 5 टाइम फिर से जंप करेगा, 1 2 3 4 5, अब वो कहाँ पहुंचा, 8 के पास, तो आंसर क्या आएगा, 8। आप ये उसको पिक्चर के उससे भी करा सकते हैं कि 3 3 यहाँ पे, 1 2 3 2 यहाँ पे हैं, 1 2 इन सबको मिला के कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे आप उसको पिक्चर के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। अब हमने नंबर्स लाइन पे एडिशन सीखा है, अब हम सीखते हैं नंबर्स लाइन पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, सेम हम एक लाइन लेंगे उसके ऊपर नंबर लगा देंगे। सबसे पहले क्या है 7, अब आपको अपने बच्चे को बताना है कि मेंढक ने 7 पे जंप किया, बहुत बड़ा पहुंच गया, अब उसको याद आया वो तो बहुत आगे आ गया, उसको तो वापस जाना था, तो अभी वो 2 टाइम बैक जाएगा, 1 2, तो अभी वो कहाँ पहुंचा, 5 के पास, तो आंसर आ गया हमारा 5। अगेन 4, तो अभी फ्रॉग कहाँ पे जंप करेगा, 4 के पास, पर उसको अभी वापस जाना है, तो वापस वो कैसे जाएगा, ऊपर से वापस तो नहीं जा सकता, तो उसको कितने बार जंप करना पड़ेगा, 2 टाइम, 1 2, तो भी वो कहाँ पहुंचा, 2 के पास, तो आंसर आएगा 2। सेम आप पिक्चर में भी सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, यहाँ पे 4 ट्री हैं, 4 माइनस अगर 2 करें 4 ट्री हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 ट्री हैं, इन दो ट्रीज के साथ झगड़ा हो गया, तो ये गुस्सा होके चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, तो आपके पास कितने ट्री अभी रह गए, यहाँ पे 2 ट्री रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बैकवर्ड काउंटिंग, मिसिंग नंबर, रिवर्स काउंटिंग, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको वही सेम काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, पर आप कई पेरेंट्स क्या करते हैं उल्टा यहाँ पे लिख लो कि हाँ काउंटिंग एक, पर हमेशा यहीं से सिखानी है बच्चों को इसी कॉर्नर से, नहीं तो बच्चों को उल्टा चीज़ें करने की आदत हो जाएगी। वो ठीक है कभी कभी हम जब बड़े हो जाते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं, बट जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब शॉर्टकट नहीं करवाना चाहिए हमको, हमको प्रोसेस उसको वैसे ही करवाना चाहिए। अब यहाँ पे 10 है, वर्ड्स कम बिफोर 10 9 7 5 4, ऐसे ही सेम 21 20 19 18 17 16। अभी यहाँ पे तो आपने एक बीच में लिखा एक भी छोड़ा, अब आप यहाँ पे पूरा ही छोड़ देना आपके बच्चों को, ठीक है, जब वो थोड़ा सीख जाए उसके लिए, तो उसके बाद वो खुद ही करेगा 41 40 39 38 37।
स्टार्टिंग में अगर आपको बच्चा की कुछ कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, आप उन बच्चों के लिए हमको थोड़ा सा वो करना ही पड़ता है इजी बनाने के लिए। पर स्टार्टिंग में आप बच्चों को ऐसे ही सिखाएं, कोई भी चीज़ हो तो इस कॉर्नर से सिखाना शुरू करें। पर अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है, नहीं सीख रहा है फिर पर स्कूल में तो परफॉर्मेंस देने, उसके लिए आप यहाँ से आप उसको काउंटिंग फिर लिख ही सकते हैं। 1 2 3 वो लिख ले, 1 2 3 4 फिर क्या आएगा, 5 6 है 7 लिखने ऐसे। तो ये था हमारा LKG का और UKG का सिलेबस जो इस साल स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरे साल में इस स्कूलों में कवर कर दिया जाएगा। होप आपने अच्छे से देखा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। इंग्लिश और हिंदी और EBS के लिए मैं अलग वीडियो डालने वाली हूँ कि पूरे साल का LKG और UKG में क्या सिलेबस होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।